हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में एक मेजर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। अब वो क्वेश्चन है सर, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, ये स्टॉक मार्केट में क्या है, ये दोनों मार्केट अलग अलग हैं? क्योंकि हमें मन करता है सर किसी का स्टॉक खरीदना तो हम तो सिंपली मोबाइल फोन ऐप से बाय कर लेते हैं, या उसको सेल करना हो तो सेल कर देते हैं, बट ये प्राइमरी मार्केट कुछ अलग से होता है क्या, सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? सो यही कुछ सवालों के जवाब बेसिकली आज के इस वीडियो में देखने वाला हूं मैं आपको। सो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे मेजर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो बन रही है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक को प्रमोट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, राइट? तो शुरू करते हैं। देखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो तो जनरली दो तरह से किया जा सकता है। पहला कैपिटल मार्केट, यानी सीधे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए और किसी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली खरीद लीजिए, दैट इज कैपिटल मार्केट। दूसरा होता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले आज के इस वीडियो में। कैपिटल मार्केट्स में भी दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जब कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में इशू करती है तो हम कहते हैं सर उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कोई कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होना चाहती है, उसके लिए वो पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड आईपीओ, उसी को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। सबसे मजेदार बात क्या है प्राइमरी मार्केट के बारे में, वो ये है कि प्राइमरी मार्केट में जब आप शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो तो आप किससे सब्सक्राइब करते हो, डायरेक्टली कंपनी से। यानी वहां पे जो शेयर्स आपको मिलेंगे वो कौन देगा, कंपनी आपको वो शेयर्स देगी। तो आप उसके लिए एप्लीकेशन देते हो, फिर उसमें प्रॉपर जो भी टाइम प्रोसीजर होता है कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से शेयर्स आपको बेसिकली अलॉट कर दिए जाते हैं, राइट? अलॉट होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पर, उसमें कितना ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसके ऊपर। तो सिंपल सी बात इतनी है कि प्राइमरी मार्केट का मतलब जब आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो, राइट? सो दैट्स अ सिंपल थिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, यानी शेयर्स लिस्ट हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे एनएससी पे चाहे बीएससी पे, राइट? अब वहां से आप उन शेयर्स को बाय कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा के कुछ शेयर्स खरीद लूं, मोटर्स के, पावर के, किसी के भी कुछ शेयर्स खरीद लूं, आदित्य बिरला कुछ खरीद लूं, राइट? सो मैं उसको खरीदने के लिए क्या करूंगा, सिंपली अपना मोबाइल फोन लूंगा, राइट? या अपने ब्रोकर को फोन करूंगा कि ये कुछ स्टॉक्स बाय कर लो। ये फोन करना पुराना हो गया, अभी आजकल लोग खुद ही बाय कर लेते हैं, राइट? सो मोबाइल फोन की एप्लीकेशन पे जाएं, उसको बाय कर लें, सिंपली ऑर्डर करें, राइट? और वो बाय हो जाएगा, एक दिन में दो दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, जो भी T+2 days के T+1 day के ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हिसाब से। सो जब आप शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। जब शेयर्स पहली बार आ रहे हैं मार्केट में, दैट इज प्राइमरी मार्केट और आईपीओ। अब मेजर क्वेश्चन आता है कि सर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में शेयर्स तो अभी मार्केट में नहीं आए, तो कंपनी खुद उन शेयर्स के प्राइस को डिटरमाइन करती है इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स। सो आमतौर पर हम लोग, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि सर उस कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। वैल्यूएशन हाई होने का मतलब क्या है, कंपनी की जो पोटेंशियल इनकम है, जो बेसिकली एक्सपेक्टेड इनकम्स के हिसाब से वो कंपनी का वैल्यूएशन कैपिटल का करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही जो शेयर प्राइस है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कौन डिटरमाइन करेगा प्राइस, तो सेकेंडरी मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज हैं वही उसके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, राइट? सेकेंडरी मार्केट में जब आप शेयर्स को बाय कर रहे हैं तो क्या आप कंपनी से बाय कर रहे हैं शेयर्स को, द आंसर इज नो। आप उन शेयर्स को सिंपली एक दूसरे इन्वेस्टर से, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उससे आप बेसिकली शेयर्स को बाय कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। दोनों ही सूटेबल हैं, दोनों के लिए ही आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको चाहिए होगा, और जैसे ही डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास आ जाएगा आप दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, कि आप चाहे तो आईपीओ में अप्लाई करें, चाहे तो आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को बाय करें, राइट? आई होप जो भी डिस्कशन मैंने किया है वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। स्टिल अगर आपको कोई मन में सवाल रह जाते हैं, सो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।